रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों के हालात जानने के लिए यमुनानगर पहुंची। टीम ने कई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो वहीं ये भी माना कि जिले में सड़क हादसा रोकने के लिए इंतजाम नाकाफी हैं और आए दिन इसके चलते लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील आर्या, मेंबर स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा और मेंबर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी यमुनानगर। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी काउंसिल ने बताया कि आज उनकी एक टीम वहां से आई है। अक्टूबर में हमारी स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसका मैं सदस्य हूं। यमुनानगर के अंदर हमारे जैसे कि 54 ब्लैक स्पॉट हैं और 19 हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उनको लेकर मैं एक निवेदन किया था काउंसिल में कि काउंसिल की एक कमेटी गठित की जाए और वो जिला यमुनानगर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र और दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स का वो निरीक्षण करे, क्योंकि लोकल मीटिंग में जब यहाँ होती है तो उसमें एक खाना पूर्ति की तरफ शायद हम बढ़ रहे थे, परंतु वो चीज़ उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना जनहित के लिए बहुत ज़रूरी था और उसी के संदर्भगत आज ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी के अध्यक्षता में एक लीड एजेंसी की कमेटी यहाँ आई है जिसका मैं भी मेम्बर हूँ और हम लोग अभी एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स और ब्लैक स्पॉट का विजिट हम लोग कर रहे हैं। खाना पूर्ति रहती है, देखिए अभी तक जो खाना पूर्ति को लेके सवाल उठाए थे वह हमारी जो टीम आई है उसके सामने वो चीज़ें रखी गई हैं। धरातल पर बहुत मतलब हालत क्रिटिकल है और बहुत से काम अपेक्षित हैं जो जनहित में किए जाने बहुत जरूरी है। निश्चित अब काम होगा, नहीं तो अब एक्शन होगा। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।